एक गल बन जाती है कि जब तुसी एमएलए दो हलकों चो बन जाओ तो थोनू एक हलका टेक्निकली छड़ना पैंदा। इसलिए यह फैसला मजीठे दे निवासियां दा दिल दुल दियां गहराइयां चो दोवें हाथ जोड़ के उन्हां दी इजाजत लैण तो मगरों, उन्हां दा आशीर्वाद लैण तो मगरों, उन्हां दी थापी लैण तो मगरों अज दास अनाउंसमेंट कर रहा है कि मजीठे हल्के चो मेरी धर्म पत्नी गनीब कौर जी उत्थों इलैक्शन लड़नगे और दास अमृतसर ईस्ट श्री अमृतसर साहब की पूर्वी हल्के तो इलैक्शन लड़ूगा। ठीक है जी, यही फैसला। और मैं समझदा दिस इज फर्ज नूं निभाउंदिआं कॉल ऑफ ड्यूटी है, क्योंकि जेडे सवाल करदे सी मेरे सज्जन मित्र कि जब तेनू दोवें सीटा जिता देंगे तू कि खड़ेगा, हुण कोई फर्क नहीं रह जाना चाहिए, खड़ांगा मैं दोवां नाल, खड़ांगा मैं पंजाब नाल, खड़ांगा मैं माझा मालवे दुआबे नाल, मगर जिम्मेवारी तौर पर एज एम एल ए के रूप से जो मैं दास नूं ये माण मिलता है तो मेरी जिम्मेवारी अमृतसर पूर्वी की होगी। और मेरी धर्म पत्नी जिदे लिए आप एक बड़ा वड्डा फैसला सी, उन्हूं बेचारी नूं दो दिन पहला तक तो पता ही नहीं सीगा कि इस तरह भी हो सकता। शीज कदे मेरी इलैक्शन च मेरे पेरेंट्स ने मेरी वाइफ ने हमेशा अरदासा बेनतियां तक तो कीतियां ने, तो गां उन्होंने कदे वध चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। मेरा सारे रोल इन्होंने निभाए है जिन्हें सज्जन मित्र बैठे, और अज दास ये महसूस कर रहा सी हु कुड बी बैटर। देखो हसबेंड वाइफ का घर वाले घर वाली का रिश्ता ही एडा पवित्र होंदा, और जिस उस इंसान नूं मैं जिम्मेवारी दिती है जो इंसान मेरे बच्चों की परवरिश कर रहा, सो उन्हूं यह वड्डी जिम्मेवारी कि उस हल्के की सेवा तुसी करनी है जिस हल्के ने मैनू ये मान सत्कार बख्शा। और मैं उम्मीद करदा और मेरा हमेशा ही साथ, ये नहीं कि कोई ये समझे कि अज मजीठे नूं छड़ता, मजीठे नूं तां छड़ नहीं सकते कदे, जिवें परिवार नूं तां कदे छड़ नहीं सकते, मगर परिवार दे आशीर्वाद लै के अज अमृतसर पूर्वी च आए हैं और यही विश्वास नाल लै के आया कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट ड्यूटी। ये फर्ज की अदायगी बारी गल है और ये उस अहंकारी बंदे दे खिलाफ है जिन्हों प्यार करना सिखाउणा, उहदे अहंकार दे खिलाफ है जिहदे चों मैं कढ़नी है, उस अहंकारी दे खिलाफ है जिन्हों लोकां दी इज्जत करनी सिखाउणी है। कोई इहनू चैलेंज ना समझ लवे, कोई इहनू मिस रिप्रजेंट ना कर जाए या मिस रीड ना कर जाए, इट इज़ अबाउट द ड्यूटी। और ड्यूटी निभाउण वास्ते मैं इत्थे आया, लोकां दे दिल जितन वास्ते, लोकां दे ये विश्वास दवाउण वास्ते कि जो तरक्की मजीठे च लैके आए सां या जद जद मौका मिलिया श्री अमृतसर साहब की जो सरकारां सी उस वेले जो तरक्की हुई सी, अज जो मुद्दे 18 साल बाद भी जिस इंसान नूं जिस इंसान दे परिवार नूं नवजोत सिंह सिद्धू नूं इस एमपी दे रूप च, एक वजीर दे रूप च, एक एमएलए दे रूप च तिन्ने सरकारां हटाउण दा मौका मिलिया, मगर अज भी मुद्दा टुट्टियां सड़कां, सीवरेज दा माड़ा प्रबंध, पीण वाला पानी नहीं पहुँचना, बिजली दियां मुश्किलातां, डिवेलपमेंट सड़कां टुट्टियां, जिन्ने वादे सन मैं अज नहीं याद करवाउणा, चार्जशीट एक कढ़ांगे इन्हां दी कि कित्थे गया थोड़ा स्पोर्ट्स का स्टेडियम, किन्नी वारी नींह पत्थर रख के लाते, कित्थे गए वो आर ओ बी, और कदे भी तुसी लोकां दे सुख दुख लई अवेलेबल नहीं रहे, घर दे दरवाजे बंद, सिवाए ते सिवाए अहंकार तो जो लोकां नूं बनदा सत्कार मान सी वो नहीं मिलिया। इसलिए अज
इस हल्के की पूरी सेवा से उतर आए हैं। तो मैं तो सिद्धू साहब बारे एको गल कह सकदा, सिद्धू साहब थोड़ा अहंकार हटाना, थोनू प्यार करना सिखाना। और सिद्धू साहब न जिन्हों की मैं समझदा ना सोच है ना सच्चाई है, बस आउंदी है लड़ाई है। जिदे मर्जी नाल बस लड़न भिड़न तैयार रहिंदे आ, उन्हां नू थोड़ा बहुता प्यार करना भी सिखावांगे, इज्जत देना भी सिखावांगे, वड्डियां दा सत्कार करना भी सिखावांगे, छोटियां नू प्यार करना भी सिखावांगे। इसलिए इलैक्शन मैं समझदा रिजल्ट तो जिहड़ा आउणा आउणा लोकां ने फैसला करना, मगर कईआं दे सुभा बदलदे विखावांगे। लोकां दे जिन्हां लोकां नू पुछदे नहीं सी ना, उन्हां नू पुछदे विखावांगे, लोकां तक पहुँचते विखावांगे, जिहड़े हवा च फिरदे सी धरती ते चलना भी सिखावांगे। कोई सवाल जी थोड़े? जो सिद्धू ने सर जब नॉमिनेशन फाइल की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हिम्मत है तो मजीठिया, एक तरह की चुनौती दी थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये करारा जवाब देने के इतना हसना विखावांगे, इतना हसना सिखावांगे, इतना हसना सिखावांगे, इतना हसया करूंगा। जो मैं छड़िया मैं लगता चले गया डिप्रेशन। मैं कहना जी मैनू पीएम ना लड़ा दियो। देखो जे उन्हें मेरे करके भावे कुछ मिल जाए, हूं उन्हें पिटना जाके चंद, मैनू पता आपके वीर के बारे, हूँ दिल्ली जाऊ। हाँ मैं दस दिना, मैनू तो अज मैं बालियां नहीं ना खोलना चाहता, फिर कल भी दसनिया पैंदियां तुहानूं। उन्हें हूँ दिल्ली जाना इस तों बाद। वेखो जी मेरी तो एड्डी लड़ाई हो गई जी, तो मैनू सवेरे लानो। उन्हें मतलब गल च गूठ दे देना, सोनिया गांधी दे, प्रियंका गांधी दे, राहुल गांधी के इसे बहाने मैं कितने लै डिगा। चलो मैनू इस गल की खुशी है, जे मेरे बहाने उन्हू बनती जड़ा उदा चेहरा है, वह चेहरा ही बन सकता है, कुर्सी फिर नहीं लभनी। फिर मेरा साथ तो मिलू, मेरा प्यार तो मिलू, हसना तो सिखाऊ, प्यार करना तो सिखाऊ। हाँ जी भरावा मैं गल दसा, ये मेरी मर्जी नहीं सी पार्टी का। मैं तो तुसी गल वेखो, आ कल दी गल मैं तुहानू, तुसी ना असल च तुसी मेरी स्थिति च नहीं, तुसी मेरी भावना नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते मेरा भी। तेरे ते परचा होया ही नहीं जिहड़ा मेरे ते होया, तेरे ते मकोका टाडा युआपा वर्गियां धारा लगियां हो ना, वो धारा लगी है मेरे ते, जीते बेल नहीं हो सकती। और साजिश तहत लाई गई, सिर्फ इसलिए लाई गई कि मजीठिया चोन ना लड़ सके। तो जब मैनू रब ने उत्थे बाँह फड़ के मैनू उत्थों कढ के ले आए, तो हुण परमात्मा जे गुरु दी संगत मेरी हुण नहीं बाँह फड़ू, और रब सुख रखे, गुरु बख्शिश रखे, दिल भी जित के निकलूँ तो चोन भी जित के निकलूँ। माण है मैनू अपने लोगों पर, लोगों के माण करके लोगों की सेवा करदा, लोगों का प्यार लैके लोगों की सेवा करदा। हाँ जी अहंकार बहुत खतरनाक है, सज्जन ते माण होना, आपदे यारा मित्रा दोस्तों ते भरावां ते बुजुर्गों के आशीर्वाद ते माण होना, मावां दी दुआवां ते माण होना बहुत वक्री गल है। मैनू माण और मैनू विश्वास भी है, मैनू कोई तुसी समझते हो ना, कई मेरी जगह शायद कोई होर कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन हुंदा वो एडा पंगा ना लेंदा, वो कैलकुलेशन ही मार दिंदी। आपां नू कैलकुलेशन आउंदी कोई नहीं, आर जा पार, हुण पार वाली लड़ाई लड़ के निकलांगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं और रिपीट नहीं करना चाहता जी, असली हालात तू मेरे दसते, लल्लू करे कवलियां, रब सिद्धियां पावे। डोरा रब दे हाथ च, डोरा लोकां दे हाथ च, और मैं समझदा उन्हां सारियां मावां बजुर्गों ने जिन्हां ने मेरा हाथ घुट के या मेरे ते सिर ते हाथ रख के ये गल कही कि साडा हलका ना छड्डी। आ गया मजीठिया,
मजीठिया थोड़ा हलका नहीं छड़दा, तुसीं मजीठिया इन्हूं ना छड्डियो, निभा देंगे और माण होगा कि असी वकील वधिया लभ के लिया आ मजीठे वाले। मैं तो सज्जना छोटे जे मौके से सद्या कि ये मेरी गरंटी ने, एक बारी होंगी ना वारंटी, सिद्धू साहब की तो कोई वारंटी नहीं, कौन दूगा, भाजपा दू या गांधी साहब गांधी परिवार दू, वो तो है ही नहीं कोई वारंटी। ये मेरी तो गरंटी तो वारंटी लैके आया कि सानू ये गरंटी वारंटी देंगे कि वाकई ये निभन वाला है कि नहीं है। चन्नी साहब नू रब ते भरोसा नहीं, पहली गल, और चन्नी साहब नू मैं लगता चमकौर साहब दे लोकां ते भी भरोसा नहीं रहा। मैनू तो रब ते पूर्ण भरोसा, मजीठे दे लोकां दे अमृतसर पूर्वी दे लोकां दे पूर्ण भरोसा। मैनू पता, देखो एक ये ना समझो कि किते मजीठिया समझ कोई नहीं, मैनू एक गल दी पूरी समझ है, कोई भी आपदा जितया होया इलाका, जिस इलाके ने एडा वड्डा महान, मतलब केजरीवाल साहब ने टिल दा जोर ला के वेख लिया, उन्होंने जमानत इन्होंने जब्त करा दी, राहुल गांधी ने टिल दा जोर ला के वेख लिया, उन्होंने 29 कांग्रेस तो भाजी खेरू खेरू सजे खब्बे हो गई, मगर वो इलाका जिन्हें मैनू पता, मैनू विश्वास सी, मैं रब तो डर के गल कहना कि विश्वास सी कि उन्होंने फिर मेरे ते मेहरबानी करनी सी, मगर वो भी इस गल ते है कि जिनी माड़ी तेरे नाल इस बंदे ने कीती है, जो धक्का, ये धक्के की गल करदा ना, इस तो वड्डा धक्का की है कि 18 दिन का तुसीं डीजीपी लाओ, जेड़ा डीजीपी सुप्रीम कोर्ट ने अनफिट मन्या होवे, जिस डीजीपी नू यूपीएससी ने अनफिट मन्या होवे, और जिदे बारे हुण फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके नाल उहदी डीजीपी की कारगुजारी ते टिप्पणी की, कोई परचा होया किवें, थाने च नहीं होया, डीजीपी ने दफ्तर सद के होया, हुण डीजीपी इंस्ट्रक्शन, और थाना भी नवा बनाया गया, तीन तीन डीजीपी बदल के होए, और खोया किहदे आखे ते, इहदे ते जां कोई दो रामा नहीं, चट्टोपाध्याय किहदी देण, ठुकताली साहब तां आप सिद्धू साहब कहिंदे मेरा, वो दो बंदिआं नूं क्लेम करदे, चन्नी साहब नूं नहीं करदे, गल वक्खरी आ, मगर दो बंदिआं नूं तां क्लेम करदे ना कि चट्टोपाध्याय भी मेरा ते एडवोकेट जनरल भी मेरा। हुण चट्टोपाध्याय दे बारे पीओ नाल बह के गल्लां दी ऑडियो सामने आई है, ते हुण भी सिद्धू साहब कहिंदे कि वह चट्टोपाध्याय उहदा, जिहड़ा चट्टोपाध्याय बेअदबी श्री अमृतसर साहब होई उहदे कल्परिट्स नूं नहीं लभ सकिया, कि सिद्धू साहब हले भी कहिंदे आ कि उही चट्टोपाध्याय उहनां दा, जिहड़ा चट्टोपाध्याय ये गल कहे कि हाँ पाकिस्तान तो जिहड़ा असला आऊ, RDX आऊ, वैपनस आउणगे, और उन्हां बंदिआं नूं उन्हां बारे जानकारी भी, और प्रधानमंत्री दी अखां नूं खोलण दी गल कर रहे हैं, एक पीओ दे आखे पुलिस वालिआं दी बदली हो रही है कि वह चट्टोपाध्याय भी हुण सिद्धू साहब कहणगे कि मेरा, इसलिए अज लड़ाई इज टू ए सच्चाई की लड़ाई है, और बिल्कुल समर्पित हाँ, और जो फैसला होगा उन्हूं खुशी खुशी सिर मत, वेखो कपिल शर्मा शो ते जाके पैसे लैके हसते सी, असी मुफ्त च हसना सिखावांगे, प्यार दे के हसना सिखावांगे, कमर्शियल हासा नहीं हो, ये दिलों हसना सिखावांगे, रोना भी दिलों सिखावांगे, हसना भी दिलों सिखावांगे, मगर गल दिल की गल चलू। थैंक यू।